बलिया जिला चिकित्सालय से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिला चिकित्सालय हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां चादर में लपेटकर एक मरीज को ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुभम गौड़, 70 वर्षीय पिता स्वर्गीय हेमा बिंद, दुबहर थाना क्षेत्र बिंद के छपरा निवासी को भैंस ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां एम्बुलेंस ड्राइवर की दबंगई देखकर लोग दंग रह गए। जी हां, एम्बुलेंस ड्राइवर ने वृद्ध व्यक्ति का दर्द भी नहीं समझ पाया। मरीजों के बार बार विनती करने के बाद भी एम्बुलेंस ड्राइवर ने स्ट्रेचर नहीं निकाली। मजबूर मरीज के तीमारदारों ने चादर में मरीज को लपेटकर जिला अस्पताल में ले गए। इस तस्वीर को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। वृद्ध घायल मरीज कराहता नजर आया। बड़ा सवाल, आखिर लोगों की संवेदना कैसे मर जाती है? एम्बुलेंस में आप लोग आए ना? हाँ। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर था ना? हाँ। तो ड्राइवर की ड्राइवर कहते की निकले ना, स्ट्रेचर ना निकले ना। हम के कहने जे द्वारो पर गोरा के तनकार के लिए भइयो से और एक लात के लेके चल चल जा, आ तो वो निकले के ना, स्पेशल जीती है, निकल सकता है वो, जानबूझ करके नहीं निकाला। अच्छा, आप थे ना? हां, तो यहीं पे थे। परिचय दीजिए। मेरा नाम सागर सिंह राहुल है। पुलिस वाले ने कारनामा किया। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दयनीय ये व्यवस्था थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि एम्बुलेंस वाला आया और वृद्ध महिला को, पुरुष थे, चादर से ढके हुए थे, पुरुष को उतारा और ऐसे ही चादर सहित उनको उठाकर और ले जाकर वहाँ पटक दिया गया। जैसे लग रहा था कि कोई ऐसे, मतलब जानवर के साथ भी नहीं करते हैं लोग, मानवता के नाते। उस एम्बुलेंस वाले को, उस ड्राइवर को, उस कर्मचारियों को चाहिए कि उसमें से स्ट्रेचर निकाले और उनको सम्मानपूर्वक अंदर आपातकालीन कक्ष में ले जाकर उनका उपचार कराए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।